अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम ट्विटर एट जिना इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोरो। आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 है मैथमेटिक्स पे। हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ पे। आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। सो इसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे द प्रोडक्ट ऑफ any two non-zero numbers is equal to LCM and multiplied by HCF। ये हमारा फार्मूला है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम एंड मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ। नाउ एक्सप्लेनेशन कंसीडर द consider the two numbers sixteen and 24. Their product sixteen multiplied by 24 is equal to 384. HCF of 16 and 24 is equal to 8 and LCM is equal to 48. Now multiply HCF and LCM. 8 multiply 48 is equal to 384. ये हमारा सॉल्यूशन का आंसर हुआ। अब इस पे क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 300 एंड 60. What is their HCF? अब इसमें ये कह रहा है कि their product of two numbers, मल्टीप्लिकेशन दो नंबर्स की है वो 300 है, एंड एलसीएम एंड देयर एलसीएम और उसकी एलसीएम जो है 60 है। व्हाट इज़ देयर एचसीएफ, उसकी एचसीएफ हमने मालूम करनी है। तो हम अब सॉल्यूशन लेंगे इसका। अब सॉल्यूशन में लिखेंगे वी नो दैट हमें पता है कि एलसीएम multiplied by HCF is equal to product of two numbers अब हम
एलसीएम पे जा रहे हैं तो एलसीएम हमें मिला हुआ है 60, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एचसीएफ से क्योंकि हमें एचसीएफ मालूम करनी है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमें मिले हुए हैं इस सवाल में, जो 300 मिले हुए हैं वो 300 हमने यहाँ पे रखे। अब क्या करेंगे, हमने एचसीएफ मालूम करनी है तो एचसीएफ को यहाँ लेके आएंगे, 300 यहाँ पे रखेंगे, ये 60 डिवाइड में चला जाएगा। अब ज़ीरो, ये एक ज़ीरो यहाँ से, एक ज़ीरो यहाँ से ख़त्म हुआ। अब इस पे आया 30/6। अब 6 का टेबल 30 पे 5 मरतबा जा रहा है, तो 1 6 10 6, और यहाँ पे 5 मरतबा जा रहा है, तो हमें ये आंसर हुआ इसका 5। तो हमें HCF जो मिला है वो है 5, ये है इसका आंसर। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक ख़त्म हुआ। हमारे चैनल को और ऑफिशियल चैनल को, नॉलेज ऑफिशियल चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।